विचार चल रहा था, तेजोंश के साथ सभी विभाग मानना चाहिए। तब कहते हैं सिद्धांति ने क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि खद्योत्ज का जो स्वगत तेज है उसका कदापि वियोग ही नहीं हो सकता। तब पूर्व पक्ष कहता है न च नयनस्य विपरिवृत्य अवलोकेन अनुमित देश संयोग विभागाभ्याम खद्योत कर्म कल्पनमिति न च वाच्यम्। यदि कहा जाए खद्योत कभी पूर्व कभी दक्षिण कभी पश्चिम कभी उत्तर उड़ रहा है ना, यूं यूं करके इधर उधर उधर सब दिशा में उड़ता है, तो सभी दिशा में उड़ता हुआ दिशा में चमकता है, तो नेत्र उसे घूम घूम कर देख रहा है। विपरिवृत्य अवलोकेन नयनस्य आंखों का हर दिशा में घूम घूम करके देखने के द्वारा यह अनुमान किया जा सकता है कि भाई उसी से खद्योत के सभी विभागों का अनुमान कर लेंगे। पहले खद्योत यहाँ था फिर वहां चला गया, इसे यहाँ से प्रकाश दिखाई कर दूसरी जगह दिखाई दे रहा अलग अलग दिशाओं में, तो उसके आधार पर हम उसके संयोग विभाग दोनों का अनुमान कर लेंगे। संयोग विभाग अनुमित देश संयोग विभागों के द्वारा खद्योत में कर्म की कल्पना हो जाएगी। इति न चवाच्यम। ये तो उस स्थिति में ना इधर उधर दौड़ रहा हो, सीधे आपके सामने आ रहा हो तब क्या करोगे? कहते अभिमुख पतन आदो तद असंभवात। यदि अभिमुख होकर पतन हो रहा है, उड़ उड़ के आ रहा हो, उस स्थिति में वहां विभिन्न देशों में और नेत्र का विपरिवर्तन होकर के देखना इत्यादि संभव ही नहीं है। पूर्वत इतना ही नहीं, हम कहेंगे अलग अलग दिशाओं में उड़ा आपने कहा ना, उसे संयोग विभाग अनुमान करोगे, उस संयोग विभाग के द्वारा आप खद्योत में ही कर्म क्यों कल्पना करोगे? इसे पहले दोष हमने दिया था, संयोग का रहता है दोनों में, तो कर्म यथा खद्योत में है ऐसे दिशा में मानो, दोनों में मानना पड़ेगा ना, कि संयोग का अधिकरण एक नहीं है दोनों है। इसे पूर्वत दिखा दो कर्म कल्पना प्रसंग अच्छा, पूर्व के समान दिक्कत भी कर्म की कल्पना की आपत्ति है। यदि कहोगे दिगाद विभूत्वात् न कर्म कल्पना, दिगादियां विभू हैं इसलिए जो है उनमें कर्म कल्पना नहीं होगी, निश्चित न ऐसा मैं ऐसा मत कहो, क्योंकि विभू में कर्म नहीं होता, ये कौन कह रहा है? विभू नाम अकृत्वस्य अद्यापि अव्यवस्थितत्वात्, क्योंकि विभूंग में क्रिया नहीं होती है, ये आज तक आप भी या कोई भी सिद्ध नहीं कर सका है, क्योंकि आत्मा विभू है ना, उसे गुण परिवर्तन कैसे हो रहा है? बिना क्रिया का एक गुण का नाश और दूसरे गुण की उत्पत्ति क्रिया ही तो है। मनस संयोग से आपने कह दिया, और मनस संयोग भी आत्मा में क्या उत्पन्न और नाश हो रहा है, तो मन में ही क्रिया क्यों? वहां भी वही बात है कि संयोग होने से आत्मा में क्रिया माननी पड़ेगी। इस तरह से कहते सभी विभू द्रव्यों में विभू होने मात्र से वह निष्क्रिय होना कोई जरूरी नहीं है, निरवय होने मात्र से निष्क्रिय होना कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि यह कोई अभी तक व्याप्ति की स्थिति नहीं हो पाई। यत्र यत्र निरवयत्वम अथवा यत्र यत्र विभुत्वम यत्र यत्र निर्गुणत्वम तत्र निष्क्रियत्वम ये बात बनती नहीं है। अद्यापि अव्यवस्थितत्वात्। अच्छा, नौका अधिरूढ़ कुछ भ्रांतियों का निवारण कर रहे हैं। जैसे एक नौका में आदमी बैठा हुआ है और नौका का बीच में देख रहा है, इधर उधर जल नहीं देख रहा, वो बाहर इधर उधर नहीं देख रहा, केवल नौका के मध्य में देखता है, तो उसको लगता है नौका खड़ी है। चलती नौका में बैठा हुआ आदमी केवल नौका के बीच में ध्यान करने लग जाए, उसको नौका स्थिर दिखता है, तो बीच का हिस्सा तो दौड़ता नहीं है ना, केंद्रित कर दोगे तो लगता है पूरी नौका स्थिर है। जैसे ट्रेन में बैठा हुआ आदमी है, वो क्या देख रहा है? पेड़ भाग रहा, ट्रेन भाग रही कि पेड़ भाग रहे हैं? ये तो पता है ट्रेन भाग रहे, फिर भी कुछ होती आंख दिखता कि उल्टा देखता है, आंख यही देखता है कि पेड़ भाग रहे और हम आराम से बैठे हैं, ट्रेन नहीं जा रहा, लेकिन वास्तव में ट्रेन ही भागता है, पेड़ नहीं भागते। ऐसे सैकड़ों दृष्टांत है, ये आंख भ्रम में पड़ जाता है। नौकाधिरूढ़ नमित वदनम तन मध्यमेव अवलोकयतः, मध्यमेव आलोकयतः सक्रियायामपि नावी निष्कृत प्रतिदिर अत्यंत सामीप्य
जनित दोष निबंधन हो भ्रम एव नमित वदनम, जिसने चेहरा को झुकाया हुआ है मध्य में ही देख रहा है वह सक्रिय नौका में भी निष्कृत की प्रतीति कर लेता है, वो जो है अत्यंत सामीप्य जनित दोष निमित्तक भ्रांति मानना चाहिए। इसी प्रकार से समुद्र में आप देखें ना, ओ दूर में एक नौका दिखता है, इतना छोटा सा नौका और वही खड़ा दिख रहा है, वहां से बहुत तेजी से आता रहता है, वो देखने में लगता है स्थिर है और छोटा है, होता वो बड़ा नौका जहाज है, वो नौका भी नहीं कह सकते उसको, जहाज बोला जाता है, जल जहाज है और बड़ी तेजी से चलता है वो, इन आपको दूर से कैसे दिखता है स्थिर दिखता है, वो भी दूरत्व दोष का भ्रांति से निष्कृत की प्रतीति है। इसे जहां कहीं दिखाने जान के चाह रहे हैं, जहां के निष्कृत भी प्रतीति है वो भी वास्तव में सक्रिय में ही निष्कृत की भ्रांति हो रही है, ये सिद्ध करना चाहते हैं। अतएव कोई ऐसा वस्तु नहीं है जहां आप निष्कृत को सिद्ध कर सके, कहां सिद्ध करेंगे आप, जहां भी आप दिखा रहे हो निष्कृत वो भ्रांति है। इसलिए इस दृष्टांत को दूर स्थितायाम पुनः अत्यंत दूरत्व दोष निबंधन, दूर में स्थितों में यदि निष्कृत प्रतीति होता है वह भी अत्यंत दूरत्व दोष निमित्त के मानना चाहिए, नहीं सदा नवगतम परिमाण विगृहते और तदा इतने ही दूर स्थित नौका में भी उसका वास्तविक परिमाण भी ग्रहण नहीं होता। तस्माद एतादृशेषु स्थानेषु कर्म प्रतिपत्ति अर्थेन्द्रिय और उभयोरपि अवयव अवयविनोः परस्पर संयोग रूप चतुष्टय सन्निकर्ष अभावादेव, इस इन जगहों में जो कर्म की अप्रतिपत्ति हो, परिमाण की अप्रतिपत्ति हो या किसी भी प्रकार की भ्रांति हो, वहां क्या मानना चाहिए, चार प्रकार के संबंधों का अभाव है वहां। क्या है नीचे दिया देखो, क्योंकि इंद्रियां भी हम अवयवी मानते हैं, दुणकात्मक है, परमाणु रूप में ही मानते हैं, और विषय भी क्या है अवयवी है, इसे चार प्रकार का संबंध बनेगा, इस अवयव अवयवी का उस अवयवी के साथ संबंध, इसके अवयवों का उस अवयवी के साथ संबंध, फिर इस अवयवों का उस अवयवों के साथ संबंध, विषय के अवयव और इंद्रिय के अवयव, विषय रूपी अवयवी और इंद्रिय रूपी अवयवी दो हो गया, अब फिर एक किसका एक उसका ले लो, विषय रूपी अवयवी का इंद्रिय रूपी अवयवों के साथ और इंद्रिय रूपी अवयवी का विषय रूपी अवयवों के साथ, ये चार संबंध हो गए। नीचे दिया विषय रूप अवयवी के साथ में इंद्रिय रूप अवयवी का पहला संबंध, विषय अवयव के साथ में इंद्रिय के अवयवों का दूसरा संबंध, विषय अवयवों के साथ इंद्र रूपी अवयवी का तीसरा संबंध और विषय रूपी अवयवी के साथ इंद्र रूप अवयवों का संयोग। चार में से एक भी गड़बड़ा जाए ना तो क्या होता है, कोई भी चीज सही सही ग्रहण नहीं होता, भ्रम ही होगा। वे कह रहे हैं अर्थेन्द्रियोः उभयोः अपि, इस इन तेतर स्थलों में कर्म के प्रति जो हो रही है क्यों हो रही है, अर्थ और इंद्रिय इन दोनों का अवयव जो अवयवियों के साथ में परस्पर जो संयोग रूप जो चतुष्टय चार प्रकार का जो है उन चतुष्टय सन्निकर्षों का अभावादेव, न संविभाग और दर्शनात्, यह नहीं कि वह संविभाग का दर्शन नहीं हुआ है, हुआ लेकिन सम्यक इन चारों के माध्यम से चारों प्रकार के संबंध से सम्यक संविभाग ग्रहण नहीं होता है। अपिच और दूसरी बात यह है जो आपने कहा था सूर्य का दृष्टांत दिया, और दृष्टांत में आ रहे सूर्य का पूर्व से पश्चिम में देखा, सुबह देखा वहां शाम को देखा पश्चिम में, इसे उसे गति मानना, वो भी किस आधार पर, देवदत्त को भी हम ऐसे ही देख रहे हैं, क्योंकि देवदत्त कहाँ था, कहीं था स्कूल में था बाजार में था कहीं था, हाँ सो वहां देखा था, शाम को घर में देखा आपने उसको, तो वहां से कैसे आया, वो पूछा हम पैदल आए या गाड़ी से आए या साइकिल से आए, कोई ना कुछ जवाब देगा वो, तो सिद्ध हो गया देवदत्त का जो है एक देशस्थ को अन्य देश दिखाई देता है तो मतलब निश्चित रूप से वो गति पूर्वक होता है। तद्दत्त सूर्य भी एक देश जो दिखाता तदनंतर अन्य देश दिखाई देने पर अवश्य वह भी गति पूर्वक सिद्ध हो जाता है।
अपिच यथा देवदेश गतिपूर्विकां देशांतर प्राप्तिम अवलोक्य आदित्य अपि गतिस्मरणमिति भाष्यमपि कुंडलाम नेतव्यम स्यात्। वह भी असंगत कहना पड़ जाएगा यदि आप कर्म को नहीं मानोगे तो। वस्तुओं में अनुमेय मान रहे ना, वह यहाँ तो प्रत्यक्ष है ना। ये चीज देवदत्त एक देश से दूसरे देश जाना हम प्रत्यक्ष देख भी सकते हैं, वो जा रहा है। और भाष्यकार ने पंक्ति लिखा, सबर भाष्यकार ने, और कहा कि व्यक्ति की गति के आधार पर हम सूर्य में भी गति का अनुमान कर रहे हैं। और जब आप भी अनुमान में क्या किया, सूर्य का गति को दृष्टांत लिया, इसका मतलब उसको प्रत्यक्ष आपको मानना ही पड़ेगा भाष्य अनुसार, है ना। नहीं तो भाष्य की यह पंक्ति असंगत हो जाएगा। कुंडलनाम ने असंगताम नेतव्यम स्यात् कि उभयत्रापि कर्मणो अनुमेयत्वे, यदि दोनों ही में कर्म अनुमेय है, मैंने देवदत्त में भी अनुमेय और सूर्य में भी अनुमेय है, तो दृष्टांतार्थान दोनों अनुमेय हो गया, व्याप्ति कहाँ ग्रहण करोगे, असम दोषग्रस्त हो गया ना। फिर हमेशा क्या होता है, दृष्टांत में व्याप्ति प्रत्यक्ष हुआ है तभी तो दार्ष्टान्त में अनुमान सिद्ध करोगे उस चीज को। यदि मानस में भी वन्य अनुमेय होगा तो फिर परमात्म में अनुमान कैसे करूंगा, मानस में वन्य प्रत्यक्ष था, ये तर वन्य हमने व्याप्ति ग्रहण किया तभी तो उसको दृष्टांत हमने बनाया, और उस व्याप्ति के अंदर हमने पर्वत में अनुमान करता हूँ। नियम हमेशा यही है, दृष्टांत में प्रत्यक्ष होता है व्याप्ति का और दार्ष्टान्त में वो अनुमेय हो जाता है वस्तु। इस तरह यहाँ पर भी होना चाहिए ना, यदि सर्वत्र आप अनुमेय कहा जाए कर्म को, फिर देवत्व में अष्ट क्रिया कर्म जो है वो भी अनुमेय हो जाएगा, फिर दृष्टांत भी अनुमेय हो गया, दार्ष्टान्त सूर्य भी अनुमेय हो गया, दोनों अनुमेय है तो अनुमान ही नहीं हो सकता वो चीज। दृष्टांत दार्ष्टकत्व निर्देश अनुपपत्ते है, अनुपपत्ते एक और प्रकार होनी चाहिए, अनुपत्ते हो गया है। किंच एक और बात है, जब खंडन करने लग जाते हैं तो किंच किंच बोलते छोड़ते ही नहीं है, एक के बाद एक युक्तियां दिए जाते हैं। यदि न कर्म न प्रत्यक्ष तम तरी कर्म ही न स्या, सबसे बड़ी बात यह है यदि कर्म के प्रत्यक्ष नहीं मानोगे फिर कर्म नाम पदार्थ उच्छेद हो जाएगा, सिद्ध ही नहीं कर सकेगा कोई भी। क्यों? क्योंकि कर्म को क्यों माना जा रहा है, आपने भी या किसी ने भी कर्म का लक्षण क्या किया, संयोग विभाग असमय कारणम कर्म, अर्थात संयोग और विभाग का असमय कारणत्व अभिष्ट पदार्थ है ना। यदि हम ये कहें संयोग विभाग का असमय कारण दूसरी चीज सिद्ध कर लें तो कर्म की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप संयोग विभाग का असमय कारणत्व ना यदि कर्म का प्रत्यक्ष नहीं मान करके अनुमेय मानोगे तो हम अनुमान से कहेंगे संयोग विभाग का असमय कारण आत्मा में होने वाला संयोग है, क्योंकि कहीं भी कर्म होगी उस वह कर्म का भी आपने क्या कहा, पूर्व देश से विभाग पर उत्तर देश संयोग होता है, उससे मैं अनुमान करूंगा। वो अनुमान करने से पूरा पूछेंगे ये जो संयोग विभाग हुआ है वह प्रयत्न जन्य है या नहीं, ये किंचित प्रत्यजन मानना पड़ेगा ना। शेन शैल संयोग में शेन में प्रयत्न हुआ था, उभयतर कर्मज में भी दोनों में प्रयत्न हुआ था, प्रयत्नवान आत्मा का मन में से संयोग जो होकर के ही क्रिया निष्पादन हुआ कर्म होता है, वह अनुमेय हो या प्रत्यक्ष हो, इसे ऐसे कर्म को मानने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हम कहेंगे कहते असमय कारण प्रत्यय प्रत्यवत आत्मसंयोग वस्तु, क्योंकि असमय कारण मात्र अपेक्ष भी संयोग विभाग, क्योंकि संयोग विभाग को कोई ना कोई असमय कारण चाहिए, और आपने असमय कारण क्या कह रहे हो, अनुमेय भूत कर्म कह रहे हो, तो ऐसे अनुमेय भूत कर्म को मानने की अपेक्षा से सर्वमत स्वीकृत सकल कार्यों के प्रति क्या कारण बनता है, प्रयत्नवान आत्मा का संयोग, उसी को मान लो असमय कारण लाघव है। सर्वमत सिद्ध स्वीकृत सकल कार्यों के प्रति सामान्य रूप में असमय कारण क्या है, प्रयत्नवत आत्म संयोग, इसके बिना कोई कार्य कोई कर ही नहीं सकता, क्योंकि आपके मन का आत्मा में संयोग होगा, और उस आत्मा में यदि उस क्रिया के अनुकूल प्रयत्न है तो मन इंद्रियों के द्वारा कार्य कराएगा ना, मन अपने आप थोड़े करा सकता कोई काम, मन अपने आप कुछ नहीं करता, वो प्रयत्न होगा कहां, आत्मा में। इदम मदिष्ट साधनम
मत्कृति साध्यंच अतएव अस्मिन् कार्ये मया प्रवर्तितव्यम्। ऐसा निर्णय लिया, यह मेरे इष्ट साधन है और मेरे कृति की तरह साध्य है, अतएव मेरे द्वारा इसके लिए प्रयत्न करनी प्रवृत्त होना चाहिए। ऐसे प्रवृत्ति के चारों कारणों को दिमाग आत्मा में लिया और आत्मा में कहा, जब प्रवृत्ति के चारों कारण विद्यमान है तो प्रवृत्ति अनुकूल प्रयत्न आत्मा में होता है। जब आत्मा में चारों ज्ञानों को लेकर प्रयत्न हुआ, चार ज्ञान है वो भी आत्मा में ही रहता है ना, इसे कोई समस्या तो है नहीं उसको प्रयत्न करने में। पहले आया चिकित्सा है ना, फिर कृतिसाधता, वो भी इष्ट साधनता विशिष्ट कृतिसाधता, बलवदनिष्ठ अनुबंधिता और उपादान प्रत्यक्ष, ये चारों ज्ञान को लेकर के आत्मा में अब प्रवृत्ति के अनुकूल प्रयत्न हुआ और उस प्रयत्न को जाना किसने, आत्मन संयोग से। इसलिए प्रयत्नवान आत्मा के साथ मन का जो संयोग हुआ वह सकल कार्यों के प्रति कारण है। कुछ भी होता है पांच ज्ञानेन्द्रियों से, पांच कर्मेंद्रियों से, उन सबका पीछे आत्मा का प्रयत्न कारण है। तभी तो कहते हैं जो जैसा करेगा वैसा भरेगा, क्योंकि प्रयत्न आपका था, आपके आत्मा में उसके अनुकूल प्रयत्न ना हो आप कर ही नहीं सकते। हम कहेंगे तो भी नहीं करोगे, क्योंकि आत्मा में प्रयत्न नहीं हो रहा है ना उसके अनुकूल। किसी की प्रेरणा से भी जो किया जाता है तो उसकी प्रेरणा को सुनने के बाद में अंदर में आपके मन में एक इच्छा जगेगी, पहले वही चिकित्सा, वो इन्होंने कहा है मुझे करना चाहिए, चिकित्सा हुई, फिर वो मेरे द्वारा किया जा सकता है, कृतसाधता हुआ और जो करने में मेरे प्राण का कोई संकट है ही नहीं, मरने वाला हूँ नहीं, इसे मैं करूँ, बलवदनिष्ठ अनुबंधिता और उस कार्य संबंधी जो भी उत्पादन प्रतिज्ञान हुआ तब आपके अंदर आज मैं कर सकता हूँ, तो प्रवृत्ति का अनुभव प्रयत्नात्मा में हुआ। इसे जो स्वेच्छा पूर्वक किया जाए, जब परीक्षा पूर्वक किया जाता है, लेकिन होता तो प्रयत्न पूर्वक ही, उसी प्रयत्न को हम लोग कहते पुरुषार्थ करना, पुरुषार्थ करो कहते ना, मैंने प्रयत्न करो, प्रयास करो आत्मा के अंदर उसको थोड़ा लाओ, प्रेशर लाओ, करने की इच्छा जगाओ, कोशिश करो। तो वो जो प्रयत्न जोर जितना होता है अंदर से उसके अनुरूप आप बाहर व्यवहार करते। इसे सकल कर्मेंद्रिय और ज्ञानेन्द्रियों के द्वारा होने वाला कार्य अर्थात उसके द्वारा सिद्ध होने वाला जो कुछ भी है उन सबका मूल क्या है, प्रयत्नवान आत्मा। और अभी केवल आत्मा प्रयत्न से नहीं होगा, उसके साथ मन का संयोग। इसे सामान्य रूप में सकल कार्य के प्रति असमय कारण क्या हुआ, प्रयत्न आत्म संयोग। उसी को स्वयं विभाग का भी असमय कारण मान लो, क्या जरूरत है अलग कर्म की कल्पना करना, अनुमान करना। ये सिद्धांत ने बहुत तगड़ा अब डंडा मार दिया, अब इसे आगे कुछ नहीं बोलेगा प्रभाकर। अत्र असमय कारण प्रयत्न आत्म संयोग ए वस्तु किं कर्म कल्पनाया, कर्म कल्पना करने से क्या फायदा होगा फिर बताओ, जरूरत ही नहीं। इसीलिए प्रत्यक्ष मानो, प्रत्यक्ष मानोगे तो एक पृथक पदार्थ मानना पड़ेगा। ननु यत्र संयोगो असमय कारण तत्र, तब प्रभाकर एक और थोड़ी युक्ति ले रहा है, कहता है हमेशा असमय कारण क्या करता है, अपने आश्रय में अथवा अपने आश्रय में समय समय से जो रहता है उसमें कुछ न कुछ विलक्षणता पैदा करता है। जो भी असमय कारण होगा, जैसे तंतु संयोग है, यह असमय कारण किसका, पट के प्रति है ना, उसने क्या किया, वो अपने आश्रय में विलक्षणता पैदा किया, तंतु द्वय संयोग की वजह से उसका पट संज्ञा पड़ा, आच्छादन रूपी क्षमता आ गया उसके अंदर, ढकने के सामर्थ्य आ गया कपड़े में। तो तंतु संयोग रूप असमय कारण ने क्या किया, अपना आश्रय में, कौन आश्रय, तंतु, उन तंतुओं में एक विलक्षणता पैदा कर। इसी प्रकार पट रूप को आपने कहा, नहीं तंतु रूप असमय कारण है पट रूप के प्रति, वो भी क्या कर रहा है, तंतु रूप स्व आश्रय तंतु, उस तंतु में समेत है पट, उस पट में रूप की विलक्षणता पैदा कर दिया। इसे हमेशा क्या होता है, असमय कारण अपने आश्रय में या अपने आश्रय में संवेत वस्तुओं में कुछ न कुछ कार्य को उत्पन्न करता है। उस नियम के अनुसार चलेंगे तो प्रयत्न आत्म संयोग का आश्रय कौन है, आत्मा, और कार्य कहां हुआ, बाहर, क्रिया कहां हुई, बाहर, अन्य अधिकरण में हो रहा है ना। इसलिए इसको कर्म का समय कारण, स्वयं विभाग का समय कारण नहीं कर सकते,
बाहर में होने वाले संयम विभाग जो रहे, पैर का जो संयम विभाग पूर्व देश का विभाग पूर्व उत्तर संयोग हो रहा है, उसके प्रति आत्म समेत संयोग को आप असमीकरण मान नहीं सकते, ऐसा प्रभाकर का यत्र संयोग, जहां संयोग है असमय संयोग असमय कारणम, जहां भी संयोग को असमय कारण मानते हो, अर्थात जिस किसी भी कार्य के प्रति संयोग असमय कारण करते हो, वहां वो क्या करता है, स्वाश्रय स्वाश्रय संवेदेवा कार्यम जायते, स्वाश्रय में या स्वाश्रय संवेद में कुछ न कुछ कार्य को पैदा करता ही है। जैसे यथा तंतु संयोगस्य असमय कारणत्वे, तंतु संयोग को आप किसी भी कार्य के प्रति समय कारण मानोगे तो क्या करेगा, स्वाश्रय भूते तंतु, संयोग का रहता है अपने आश्रय में तंतु, उस तंतु में वह विलक्षण कार्य क्या पैदा किया, पट को पैदा कर देता है। यथाच इसी प्रकार से प्रचित अवयव संयोगस्य असमय कारणत्वे, रुई है सब फैला दिया, प्रचित माने फैलाव कर दिया, फैलाई गई जो रुई है वो क्या किया, उसका समय कारण होता, समय कारण कौन है, फैलाना रूपी क्या, फैलाना रूपी कर्म हुआ, उसका परिमाण बढ़ाया आपने, यूं दबा हुआ था उसको बढ़ा दिया यूं करके, प्रचय रूपी परिमाण कहते ना उसको, प्रचय परिमाण, वो दृष्टांत दे रहा है। प्रचित अवयव संयोगस्य असमय कारणत्वे स्वाश्रय संवेते, तब क्या करेगा वो, स्वाश्रय नहीं कर पाएगा, स्वाश्रय संवेते अवयविनी महत्वम, महत परिमाण को पैदा कर दिया। स्व हो गया कौन, अवयव, अवयवों का संयोग कहा था, अवयवों में, अवयवों का प्रचित प्रचय हो गया, का मतलब क्या, अवयव दूर दूर हो गए, अवयव दूर दूर, पहले था निबिड़ संयोग, अब विरल संयोग हो गया, उस विरल संयोग का आश्रय कौन है, व्यवयव, वो अवयव उसके आश्रय, अब उसमें आश्रित क्या है, अवयव में रूही रूप एक अवयवी आश्रित है, और उसमें क्या हुआ, स्व आश्रय संवेत में परिमाण बदल गया, पहले रस परिमाण था अब महत परिमाण हो, स्व या प्रचय का कारणीभूत अवयवों का विरल संयोग, स्व अवयवगत विरल संयोग, उसका आश्रय है अवयव, उसमें संवेत है अवयवी रूप रूही, उस रूही में क्या हो गया, महत परिमाण आ गया, स्व आश्रय समेत में कार्य उत्पन्न हो गया। इति कुतः प्रयत्न आत्म संयोग स्व आश्रय व्यतिरिक्त देशे संयोगाख्यम कर्म रचयति, इसलिए बताओ प्रयत्न वाला आत्म संयोग वो अपना आश्रयभूत आत्मा या अपने आश्रयभूत आत्मा में संवेद को अन्य वस्तुओं में कोई कार्य को पैदा न करते हुए उन दोनों से भिन्न कहां पैदा किया उसने, बाह्य देश में से विभाग पैदा कर दिया, देवदत्त में हुआ ना, देवदत्त क्या हुआ, पूर्व दिशा से पश्चिम दिशा में आया है, तो कहाँ हो रहा है वो, जबकि दिक क्या है, जहां आप सही विभाग देख रहे हो, देवदत्त का पूर्व दिक के साथ संयोग और देवदत्त का पश्चिम दिक के साथ संयोग हुआ, ये जो संयोग कहाँ रह रहा है, दिशा और देवदत्त में, और दिशा और देवदत्त क्या है, प्रयत्न आत्म संयोग का आश्रय भी नहीं है न आश्रय में संवेद वस्तु है, क्यों, प्रयत्न आत्म संयोग का आश्रय कौन है, आत्मा, वहां कुछ कार्य हो रहा है क्या, नहीं, और उस आत्मा में समेत क्या होगा, ज्ञान आदि गुण, उनमें भी कोई कार्य नहीं हो रहा है, हो कहा रहा है फिर, बाहर देवदत्त में और उस दिशा में हो रहा है व्यतिरिक्त में, तो नियम का उल्लंघन हो गया, असमय कारण का सामान्यम क्या था, स्व आश्रय में या स्व आश्रय संवेत में कुछ कार्य पैदा करना, उस नियम का उल्लंघन होने से प्रयत्न आत्म संयोग को किसी भी कार्य के प्रति असमय कारण मान नहीं सकते हैं, बल्कि जो कार्य आत्मा में हो रहा हो या आत्म संवेत गुणों में हो रहा हो उसके प्रति आप मान सकते हो केवल, अतएव कर्म के प्रति अन्य जो बाह्य संयोग भागों के प्रति जो कर्म को न मान करके प्रयत्न संयोग को असमय कारण कैसे मान सकता हूं, ये पूछा, अतः कर्मैव असमय कारणम इति चेत, इसलिए हमारे द्वारा अनुमेयभूत जो कर्म है वही असमय कारण होगा, चिन्मयवाम कद अनुद्वय संयोगस्य स्वाश्रित समेत व्यतिरिक्त तृतीयाणो अपि कार्योत्पादकत्व दर्शनेन तादृश नियमस्य विचारात्, क्योंकि ये नियम कोई ठीक नहीं है जो आपने नियम समझाया कि असमय कारण हमेशा स्व आश्रय में या
स्वाश्रय संवेत में कुछ कार्य पैदा करता है, यह आपका नियम बिल्कुल गलत है। ठीक है अपने जगह पर जहां भी है, लेकिन इतना यही है ये नहीं कह सकते, इतनी ही नियम है नहीं कह सकते। क्यों? अणुद्वय संयोग हुआ, अणु द्वय का संयोग हुआ, एक दड़ुक निर्माण हुआ, उसी वक्त एक कोई अणु आके यहां स्पर्श कर गया, तो ये अणुद्वय संयोग से एक तीसरे के साथ संबंध वाक्य नहीं हुआ, और यह संयोग ही उसके प्रति भी कारण है। उस संयोग जो पैदा हुआ तीसरे में संबंध हुआ उसके प्रति यह संयोग भी कारण है। इसलिए कहते हैं अणुद्वय संयोगस्य स्वाश्रय तत्संवेत व्यतिरिक्ते, स्वाश्रय और स्वाश्रय संवेत से जो भिन्न कौन तृतीय अणु अभी कार्योत्पादकत्व दर्शनी ना, वहां भी कार्य का उत्पादन कर रहा है वो। एक विलक्षण हम लोगों को पढ़ते हैं जब स्कूल में पढ़ते थे, साइंस की लेबोरेटरी में दिखाए थे, फिजिक्स की लेबोरेटरी में, वो क्या दिखाते हैं वहां विलक्षण का, एक लकड़ी का स्टैंड होता है, उस स्टैंड के ऊपर में भी एक लकड़ी जुड़ा हुआ है, ठीक, और उसमें अनेकों लोहे का बॉल यूं लगा रखे हैं, टांग रखे हैं, इस ढंग से है वो सब सटे हुए हैं एक दूसरे से, दस है ऐसे, दस है। करेंगे कि आप ये अंत वाले को उठाओ और छोड़ दो तो होता क्या है, दसों नहीं हिलेंगे, ये अंत वाला उड़ेगा, बाकी बीच वाले आठ वैसे के वैसे रहते हैं। ये विलक्षण होता है उसकी, ये जब ये टक्कर मारना इससे ये सटे हुए हैं, जब इसको इसको टक्कर जब लगा उसकी जो ताकत है वो इसको ढकेलने की कोशिश करेगा, इधर से रोकने की कोशिश करेगा, तो इस तरह से क्या होता है वो ताकत घटते 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 अंत में कुछ न कुछ यहाँ आ जाता है, ये थोड़ा उड़ जाता है फिर वापस बैठ जाता है। अब संयोग हुआ इन दोनों का, क्रिया कहाँ हुई, अंत वाले में दिख रहा है, ऐसे ही होता है, दो अणु आपस संयोग कर गए उसके कारण यहाँ जो अणु था उसमें भी क्या क्रिया होने लगी, उसे संयोग हो गया वहां भी कोई ना कोई कार्य पैदा हो जाता है। यही वैशेषिकों ने क्षणिक प्रकृति के आधार पर बनाया और कार्य को सिद्ध किया, न्यूनतम पांच क्षण में हो सकता है और अधिकतम तेरह क्षण में कार्य सिद्धि हो सकती है, निर्भर होता है कितने में क्रिया हो रहे हैं। अंतरष्टांग ने क्या लिया, घट रूप परिवर्तन का दृष्टांत किया, परमाणु पर ना पीरपाकवादी है वो, परमाणु तो नष्ट हुआ, अब ये निर्णय करेंगे हम एक परमाणु में कार्य होता है केवल, दूसरा वही खड़ा है चुपचाप, पहले इसमें क्रिया हुई इससे उसमें विभाग हुआ, फिर इसमें जो रूप था नष्ट हुआ, फिर इसमें नया रूप पैदा हुआ, इस तरह से यहां पर भी हुई, तो पहले यहां चार क्षण लग गए, इधर चार क्षण लग गया, फिर इन दोनों के जुड़ने में चार क्षण लग गया, बारह हो गया, तेरहवें क्षण में असली रूप इन दोनों में मिलकर पैदा हुआ, स्वतंत्र मानेंगे तब, और फिर कहेंगे नहीं दोनों में क्रिया हो जाए तो उभयतर कर्मच, तो यहां भी क्रिया यहां भी क्रिया हो रही है, यहां के अपनी क्रियाओं के द्वारा यहां सारे बदल गया, यहां भी सारा बदल गया, और पांच में दोनों मिल गए तो वस्तु में पैदा हो गया क्रम, न्यूनतम पांच और अधिकतम तेरह, छह में भी हो सकती है, सात में भी हो सकती है, निर्भर होगा, मान लो यहां पहले क्रिया शुरू हुई यहां एक साथ नहीं हुआ, यहां एक क्षण हुआ यहां कार्य शुरू हो गया, यहां का दूसरा क्षण में यहां पहला क्षण में कोई कार्य हुआ, यहां का दूसरा क्या हो जाएगा इधर का पहला क्षण मान लोगे, यानी थोड़ी देर से कार्य हुआ यहां शुरू हुई तो क्षण बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, इस तरह से उन्होंने सब व्यवस्था दिया। कारण क्या है, आधार यही है, आधार कि एक में हम जो कार्य करेंगे दूसरे में भी हो कोई जरूरी नहीं है, हो भी सकता है तीसरे में भी हो सकता है, बल्कि दो में जो कारण वजह से तीसरे में भी रिएक्शन हो सकती है, जैसे हमने जान क्या दिखाया दस रख करके, पहले में हुई क्रिया का रिएक्शन होते होते अंत में क्या हुआ प्रतिक्रिया होते होते अंत वाले में क्रिया दिख रही है, और बीच वाले देखने में लग रहे हैं बिल्कुल स्थिर, वो हिल नहीं रहे कुछ नहीं हो रहा, लेकिन टक्कर जो मारा गया उसका जो है असर अंत तक पहुंचा, इसे करंट पास हो जैसे वो लोहे का रखते हैं एनर्जी फ्लो, उसको एनर्जी फ्लो कहते हैं, शक्ति का प्रवाह होता है, और वो शक्ति पूर्ण यदि क्षीण हो जाए ना, यदि आपने बहुत हल्की छोड़ा है तो ये भी हिलेगा नहीं, ये आते आते शक्ति क्षीण हो गया तो इसको उड़ा नहीं उठा नहीं पाया हो, यार उतनी उठाना पड़ता है, बताया गया इसलिए
45 डिग्री, ये सीधे है ना, इसके 45 डिग्री दूर तक ले जाओ, वहां से छोड़ोगे तब ये 15 डिग्री दूर तक आता है। इसके नाप है हिसाब किताब विज्ञान में, परीक्षण करके निर्णय लिया गया। मैंने कहने इसी प्रकार से ये जो चीजें इन्होंने विज्ञान ने हम लोगों को बाद में बता रहा है, ये क्षणिक विज्ञान प्रक्रिया, क्षणिक प्रक्रिया मानने वाले वैशेषिकों ने बहुत पहले बता दिया कणाद महर्षि। उसके आधार पर खंडन कर रहे प्रभाकर को, ये अब अणुत्वे संयोगस्य स्वाश्रय और स्वाश्रय में संवेद से भिन्न कौन तृतीय अणु अपी, क्या अणुत्वे संयोग आश्रय कौन है? अणुत्वे हमेशा संयोग का आश्रय कौन होता है? जहां से अगर वही होंगे तो अणुद्वय का संयोग आश्रय अणुद्वय हो गया, और से समय क्या होंगे? अन्य गुणादि होगा कोई, वहां कुछ भी नहीं हो रहा है, हो कहां रहे लेकिन तृतीय में नहीं, वहां कुछ नहीं हो रहा है, दोनों में संयोग हुआ केवल उस संयोग का नतीजा, न अणुद्वय में कोई कार्य पैदा हुआ, न अणुद्वय में विद्यमान गुणों में कोई फर्क पड़ रहा है, किंतु हो क्या रहा है? तीसरे अणु पर असर कर रहा है, और तीसरे अणु का संयोग हुआ या वहां कोई क्रिया हो गई उसका असर हुआ। जैसे इन दोनों के संयोग हुआ था केवल, असर कहां भी कहां में, लेकिन अंत वाले में क्रिया दिख रहा है। तद्वत यहां पर भी अणुत्व संयोग में हुआ जो संयोग है, उस संयोग से तीसरे में कार्य दिखाई दे रहा है। ऐसी स्थिति में आपके नियम का उल्लंघन हुआ कि नहीं हुआ? आपका नियम था स्वाश्रय या स्वाश्रय समेत में ही कार्य होना चाहिए, लेकिन प्रसिद्ध अनुवाद में यह देखने को मिलता है स्व से आश्रय स्वाश्रय समेत से भिन्न तीसरे अनुवादियों में भी कार्योत्पत्ति देखने को मिलता है। अतएव तादृश नियम से व्यभिचारात, आपका जो बताया नियम व्यभिचारी है। अतः इसलिए यदि प्रत्यक्ष पदार्थ को मानना है तो प्रत्यक्ष सिद्ध मानना पड़ेगा, कर्म पदार्थ को मानना है तो प्रत्यक्ष सिद्ध मानना पड़ेगा, कल तो बोल दिया था, यदि कर्म रूपी पदार्थ को मानना है तो प्रत्यक्ष सिद्ध मानना ही पड़ेगा, ये कह दिया। अतः प्रत्यक्षेणैव कर्म सिद्धि स्यात्। इस प्रकार से चौथे पदार्थ का विचार पूरा हो गया। अब अभाव पदार्थ शुरू करने के लिए एक प्रतिज्ञा केवल करते हैं, प्रतिज्ञा करते ही लड़ाई शुरू हो जाएगा। कहते कैसे आप बोल दिया चार ही भाव पदार्थ है, और भी तो भाव पदार्थ है, दूसरे से दर्शन वाले लोग मान रहे हैं अन्य भाव पदार्थों को, आप कैसे कहते इतने भाव पदार्थ है? बस प्रतिज्ञा मात्र होगी, अभी अभाव की चर्चा नहीं हो पाएगा, ये शास्त्र शुरू हो जाएंगे। इत्थम भाव पदार्थानां स्वरूपे सुन रूपिते अभावाख्यम पदार्थंच पंचमं चिंतयामहे। इस प्रकार भाव पदार्थों का स्वरूप का निरूपण कर दिया हमने, स्वरूपम सुनिरूपित सम्यक सुष्ठु निरूपण कर दिया, और कुछ बोलना नहीं रह गया है, जो बोलना था सब भाव पदार्थ बोल दिया, खत्म हो गया। इसीलिए पंचमं पदार्थम अभाववाक्यम चिंतया, पांचवा जो पदार्थ है अभाव नाम का, उसका हम चिंतन करना शुरू करना चाहते हैं। तो पूर्व पक्ष खड़ा हो गया, हाँ रुक जाओ, अभी अभाव का नाम मत लो भाई, अभी बहुत सारे भाव पदार्थ वाक्य, कोई तो 16 कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, आप चार में ही चुप हो करे, वो कह रहे खत्म हो गए, पूरा बोलना बोल दिया। ननु भाव पदार्थ अभी केचिद अवशिष्ट संत्यव आहु प्राभा करा, भाव पदार्थ अभी और कुछ बाकी हैं, केचिद अवशिष्ट संत्यव, इससे पहले उनकी भी व्याख्या कर दो आप, बाद में अभाव की चर्चा करना। जैसे कि प्रभाकर कहते हैं उनके यहाँ क्या है, द्रव्यम गुण कर्म च जाति शक्ति सादृश्य संख्ये संवायते अष्टौ पदार्था यह तान विभज्य संक्षिप्य वक्षामि गुरोर मतेन। प्रभाकर का चेला कहता है गुरु के मत से इतने सारे भाव पदार्थ है, अष्टौ भाव पदार्थ, और आप तो उसके आधे में ही ठंडे हो रहे हो, ठीक नहीं है भाई। द्रव्य गुण कर्म जाति ये चार तो आप और हम दोनों मान ही रहे हैं, इनके लोग शक्ति भी पदार्थ मानता है, उसको हमने गुण में डाल दिया है। सादृश्य उसको हमने खंडन कर देंगे अभी विचार करके, संख्या गुण में मान लिया है, समवाय का भी खंडन कर देंगे, तो दो तो गुणों में अंतर हो गया शक्ति और संख्या, और दो का आगे खंडन करेंगे। अष्टौ पदार्थ यह तान विभज्य संक्षिप्त वक्षामि, यह हमने
मीमांसा शास्त्रे प्रभाकर अनुसारेण 8 पदार्थ है उनको विभाजन करके मैं संक्षेप से बोलूंगा, इस प्रकार से जो है उनके छेड़ों ने कहा है। इसलिए इनके अनुसार चार की अपने व्याभाव पदार्थ की व्याख्या की है, बाकी चार अभी बाकी है। और वैशेषिक लोग तो छह मानते हैं, चलो इनका मत भी मानो, छह तो उनके मानोगे कि नहीं मानोगे, तो दो बाकी है उनके हिसाब से। कौन से? द्रव्यम गुण तथा कर्म जातिश्चित त्रयाश्रय विशेष समवायश्च पदार्थ षड्मे मता। द्रव्य गुण और कर्म थी जाति, जिन तो तीनों में रहने वाली त्रयाश्रय जातिश्चित, और पांचवा विशेषण पदार्थ, छठा समवाय नाम का पदार्थ है। ये विशेष का भी खंडन कर देंगे, समवाय का भी खंडन कर देंगे, तो चार ही पदार्थ बचेगा हमारे मत के अनुसार। इस दार्गिकाश और नया एक लोग तो 16 बोलते हैं ना, तुम तो चार बोल रहे हो, तो 12 है, आपके चार गुना है। उन 12 पदार्थ और बाकी है ना, उनको भी बोलो विचार करना चाहिए। कहते हैं उनके भी साहब आ गया हमारे मत में, चार के अंदर ही सब हो गया। ऐसे बताए प्रमाण प्रमेय संख्या नहीं, प्रमाण प्रमेय संशय प्रयोजन दृष्टांत सिद्धांत अवयव तर्क निर्णय वाद जल्प वितंडा हेत्वाभास छल जाति निग्रस्थानानाम तत्वज्ञान ज्ञानात निश्रेषादिगम इति च। न्याय दर्शन का सूत्र का है, एक एक का 16 वो मानते हैं। प्रमाणिक प्रमेय एक, संशय प्रयोजन दृष्टांत सिद्धांत अवयव तर्क निर्णय वाद जल्प वितंडा हेत्वाभास छल जाति निग्रह, ये 16 है। प्रमाण पदार्थ की चर्चा हो चुकी है, प्रमाण की इंद्रियां ही होती हैं, वो तो वो तत्त्व द्रव्यों में चला गया। प्रमेय क्या है? घटपटादि, वो भी तत्त्व द्रव्यों में चला गया। संशय ये यथार्थ ज्ञान गुण में चला गया, बुद्धि में। प्रयोजन संसार के सकल पदार्थ हमारा प्रयोजन बनता है वस्तु, इसे तत्त्व द्रव्य में चला गया। द्रव्य का विषय विभाग है ना, शरीरेंद्रिय विषय वेदा विषय कोटि में चला जाएगा। दृष्टांत भी विषय कोटि में चला गया, सिद्धांत भी विषय सिद्धांत हमेशा ज्ञान कोटि में जाएगा, अवयव ये द्रव्य में चला गया, तर्क निर्णय वाद जल्प विथंडा ये सब ज्ञान की बुद्धि के विभिन्न भेद हैं ये। अथवा यदि शब्द व्यवहार बोलोगे, बोलना और विषय व्यवहार लेते हो आप, फिर शब्द व्यवहार भी तो शब्द में चला जाएगा। हेत्वाभास हमारा अनुमान खंड विचार हो चुका है। छल जाति निग्रह स्थान ये भी शास्त्रार्थ में खंडन करने के लिए दिया जाने और दोष है, इन दोषों को तत्व द्रव्यों में ही अंतर्भाव कर लो। इस प्रकार से सारी चीजें द्रव्यादि में अंतर्भाव हो जाता है, इन 16 को अलग मानने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन पूर्व पक्ष तो कहेगा ना, वो 16 बोल रहे हैं, एक तो आदमी 11 बोल रहा है, एक तो 6 बोल रहा है, आप 4 बोल के चुप हो, उनके भी सबको समझाओ, फिर अंतर्भाव हो रहा है तो कैसे अंतर्भाव हो रहा है बताओ। तथा कथम सुनिरूप तत्व आचो युक्ति चेत मई बाम, इसीलिए बताओ वह सुनिरूपित हो गया है, ऐसा आपका जो वाच्य युक्ति उचित नहीं है, तब इति चेत मई बाम से जवाब देंगे।